हेलो सुमन ब्रो, सबको जहन राम राम। अपने अपन कुक विद जीएस राजा चैनल में हार्दिक स्वागत बा। आज फिर मैं अपने अपन कला एकदम मीठ एकदम डिलीशियस बॉयलर के कॉलेजी पांगरा और भूर के रेसिपी के साथ उपस्थित हुई गिल बाडू। आशा बा अपने को मन परा देवी और यदि मिली कल से घर में फिर बना के खाना ट्राई कर भी मोर बनाएल स्टाइल ले और यदि मीठ मीठ बनी कल से पक्का फिर कमेंट कर ना विषय भी लीते सुमन ब्रो ढिला बीन कर लो बनाई शुरू कर दी है। तो शुरू में चाहे हमरे ये कॉलेजी पांगरा और भून चाहिए टक्क हल्का बेसार पानी में उमाल पर्ना हुट मजा बॉयल कर भी संगे आधा घंटा जटी अनि टक्क हमार बॉयल करके सेक ऐसी देख मिलता मस्त के देख मिलता कह पड़ल लगभग लगभग अब इन ढ्यू तो पकाई ना पड़े पागल है सुगिल बा। अब एक ठो कराही बैठा दी टक्क हीट ऑन करके। जब हमारे कराही ताज जाए हम डाल दी तेल तेल चाहिए आज हम टनिक ढेर डाल दी का करेगी बॉयल करल बा दी हमारे सब बोस नहीं निकली हम से ल। अब जब हमारे तेल ताज जाए वो भका भक हमारे बॉयल करल मासू डाल दी टक्क और इन एक मजा ले चला दी ताकि अब तेल सब कुहर लाग नहीं जर गई के। इन चाहिए आज हम पहले तेल में पकाई थी का कर अब इन टक्क हल्का फ्राई कर दी गई के पैल आ छुट्ट स्टाइल ले टनिक हिंदे कर खोजल हो आप कैसी नुट ल हमार मासू फिर टक्क फ्राई हो गल बा लगभग एति को फ्राई कर भी। जब एति को फ्राई हो जाए ओम हमार टक्क फाइनली चॉप करल एक ठो प्याज प्याज चाहिए भारी एक ठो लिहल बाटू आज मई अभी प्याज हंडार के फिर मजा ले मिक्स कर दी। अभी प्याज चाहिए हम ये मासू में गलाई पड़ना हट वो चाहे आप एक्टिश कह पड़ल प्याज डाल के फिर मजा ले मिक्स करके टक्क छोड़ देवी मस्त ले पाक देवी। जब प्याज इतनी को पाक जाए वो हमार स्पेशल हल्दी अनि अडुआ अनि मिर्चक टक्क पेस्ट डाल के इनो फिर मजा ले मिक्स कर दे इनो फिर टक्क पकाई पड़ना हट ताकि आप होएन टक्क पाक कही के। अभी हम छोप के पका दी लगभग अब 10-15 मिनट के ला मीडियम फ्लेम में छोप के पकईबी 10-15 मिनट पास है रिट टक्क हमार मसाला फिर पाक गिल बा। अब मासू तो पहले बॉयल कर लो हमारा मासू तो पाक लई हुई अब हल्का कलर के ला बेसार डाल दी बेसार डाल के फिर एक चो मजा ले चला दी ताकि बेसार के गंध जोन बानी गंध उड़ जाए अनि हमार स्पेशल मसाला अब ये घर में पिछलक मसाला हो अब मम्मी पठाइल हो काका हो अब जै मिली वही डार देना हो कोठा में तो का करना अब ढेर सामान तो नहीं रह जब हमने काम चला बरत। अब जब हमारे इतनी को मसाला ससाला सब पाक जाए वो हमारे तमने बॉयल करल पानी टॉप कले डार दे। अब डार के एक एक चो मजा ले चला देवे हल्का पानी कम हुई अस लगता वो हमारे में पानी हल्का फिर थप दी हल बाटू। अब इन चाहिए मजा ले रिजल्ट दिया पड़ी संग रहे हो अब इन 5-6 मिनट के लिए इसको ढक्कन लगा के पका दी अनि हेरी त मस्त के देख मिल्दा त ल। अब मै नुन चाहिँ नि पहिलो डार बिसराइल रहनु ओ हमारा पाँच से डार तु अपने उग्रो पहिलो फेर डार सेक्बे नुन चाहिँ आफ्न स्वाद अनुसार धरबे मै त कमै खैठु कह परल। अब नुन डार के एकछिन और छोप के पका दी अनि हेरी त टक रेडी हो गल संगे अब अतरा हो गल से अपने आप रेडी हुई सोच पड़ल। अब यदि अपने टनिक आप ग्रेवी खाई चाह ठीक से टनिक ग्रेवी फिर बनाई सकबे मई तो अतरा हम आप गैस बंद कर देन आप प्लेटिंग करो शुरू करी आज चाहिए टक्क मजा ले प्लेटिंग करल लड्डू मई टनिक आप देख मिले मिल पड़ल नहीं तो मस्त ले। अब इन चाहिए अपने टक्क भात संग चाहे
दारू संग कह पड़ल आप जेहन संग अपने मन लगता वहीं संग खाई सकबी। लीते समय हर अब अतराबे हेर के साथ डेली ओकर ढेर ढेर धन्यवाद। वीडियो कैसे लागल पक्कर फिर कमेंट कर नहीं बिसरबी। अनि यदि वीडियो मन पड़ गल से लाइक शेयर सब्सक्राइब फिर कर देवी। अनि यदि अपने ई मासु खाइल वीडियो हेरने मन भाग से मोर और चैनल यूट्यूब जी एस राजन फिर सब्सक्राइब कर नहीं बिसरबी। ल हस्त संग्रह बाय बाय।